नमस्कार दोस्तों, और आज का ये वीडियो थोड़ा सा हटके है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप में से काफी सारे लोग इलिजिबल होते हुए, डिजर्विंग कैंडिडेट होते हुए इस बेहतरीन गवर्नमेंट जो वैकेंसी को मिस कर दो, क्योंकि अगर आपने ये गवर्नमेंट जो वैकेंसी मिस कर दी पूरा साल आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस गवर्नमेंट जो वैकेंसी के थ्रू आपको जस्ट 3 मंथ्स के अंदर फाइनल सिलेक्शन भी मिल जाएगा। और दोस्तों, इस एग्जाम को आप बहुत ही इजिली घर बैठे सेल्फ स्टडी करके बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो। आपको कोई भी कोचिंग क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत नहीं है। इस वैकेंसी का डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और पूरे 6 साल का लंबा इंतजार करने के बाद ये वैकेंसी निकल के आई है। ये इस बार आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग गवर्नमेंट जॉब साबित होगी। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, केवल एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलेगा। फॉर्म की लास्ट डेट से 3 महीने के अंदर ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा, फाइनल आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको अपनी पसंदीदा जॉब लोकेशन मिलेगी। पूरे इंडिया के अंदर जहां पर भी आप चाहोगे वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, वहीं पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। इतना बेहतरीन ऑप्शन आपको किसी और गवर्नमेंट जॉब के साथ नहीं मिलता। साथ ही दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैथ्स मेरा वीक है, इंग्लिश मुझे ज्यादा समझ नहीं आती, तो भाई ये गवर्नमेंट जॉब स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि इसके एग्जाम में इंग्लिश और मैथ्स नाम मात्र आता है, बहुत ही ईजी आता है, बेसिक लेवल का आता है, इजिली आप कर लोगे। साथ ही दोस्तों, सिलेक्शन होने के बाद बहुत ही बढ़िया एग्जैक्ट इनिशियल इनहैंड सैलरी मिलती है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। जस्ट 3 to 4 ईयर के अंदर ही आप इससे बड़ी पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, सैलरी भी आपकी इंक्रीज होगी। सारी जानकारी आपको आगे दूंगा। साथ ही जॉब प्रोफाइल बड़ी इंटरेस्टिंग है। सिलेक्शन होने के बाद मस्ट 9 to 5 की आपको ऑफिस सेक्शन की कंप्यूटर बेस्ड जॉब करनी होती है। मस्ट आप एसी ऑफिस में बैठते हो, जबरदस्त लेवल की जॉब प्रोफाइल है। तो आगे इस वीडियो में इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, एक रणनीति भी आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, फटाक से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार इस जॉब की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम को क्रैक करने की रणनीति को भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इतनी देर से मैं जिस गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात कर रहा हूं ना, वो है NIACL के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। NIACL न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर हाल ही में असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुके, जो कि एक ग्रुप सी की पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है, काफी बेहतरीन पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस पोस्ट के ऊपर 300 निकल चुकी है। लास्ट ये वैकेंसी 2018 में देखने को मिली थी, उसके बाद 6 साल बाद ये वैकेंसी अब निकल के आ रही है। बहुत ही डिजायरेबल पोस्ट है, सभी लोग भूखे भेड़िए की तरह इस पोस्ट के पीछे भाग रहे हैं, रियलिटी में आपको बता रहा हूं। फॉर्म इसके कल से यानी कि 1 फरवरी 2024 से स्टार्ट होंगे। फॉर्म की लास्ट डेट 15 फरवरी 2024 ही रखी गई है। इसका फेज फर्स्ट का एग्जाम एग्जैक्टली 2 मार्च 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस वीडियो के तुरंत बाद से ही आपको नेक्स्ट लेवल की तैयारी में लग जाना है, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 21 से 30 साल रखी गई है। एज आपकी 1 जनवरी 2024 तक कैलकुलेट होगी। ओबीसी एसटीएससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई खास नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, कितने भी नंबर से, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप एलिजिबल है, आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 ही स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपके एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जिससे 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग का है, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर आएंगे। इस एग्जाम में 100 ही क्वेश्चन आएंगे, 100 ही नंबर का आपका पेपर रहेगा। और दोस्तों, 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आपका एग्जाम रहेगा। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। खास बात यह है कि यह एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इस एग्जाम के मार्क्स फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो फेज सेकंड के एग्जाम के बेसिस पर बनेगी, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वही बेसिक 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपका सिंपली इंग्लिश रहेगा, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। दूसरा रीजनिंग, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा वही न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। पांचवा जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तो भाई मेंस एग्जाम में 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, 250 नंबर का ये पेपर रहेगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 1/4 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। ये एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज आपकी एक फाइनल कट ऑफ बनती है, जिसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि क्या फाइनली आपका सिलेक्शन हो चुका है NIACL असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में ऑलरेडी आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड करके पूरे सिलेबस को अच्छे समझ लीजिएगा। और एग्जाम सेंटर्स का कोई इशू है ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आपको काफी सारे एग्जाम
सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे, आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में ही एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी एक्जैक्टली 37,000 रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। देखिए दोस्तों, ग्रुप सी की पोस्ट होने के बावजूद भी इतनी बेहतरीन सैलरी आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलती है, जो प्रोफाइल काफी इंटरेस्टिंग है। हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना होता है। जॉब लोकेशन आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिलती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टेट वाइज डिवाइड है, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे फाइनली जॉब लोकेशन पोस्टिंग लोकेशन आपकी उसी स्टेट में रहने वाली है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो, जरूरी है कि आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की रीजनल लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन है, क्योंकि दोस्तों जो कैंडिडेट्स अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, उनके लिए एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी होने वाला है, जो कि बेसिक से होता है। ये देखा जाता है कि जिस स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आप समझ लेते हो, बोल लेते हो, पढ़ लेते हो, ये देखा जाता है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर होता है, कोई भी आपको नंबर वगैरह नहीं दिए जाते हैं। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है इस पोस्ट के ऊपर। अब आपका सिलेक्शन होगा असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, उसके 3-4 ईयर के बाद आपको प्रमोशन मिल जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर, जो कि काफी बड़े लेवल की पोस्ट है, जिसकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 80,000 के आसपास है। तो आपकी सैलरी भी तुरंत इंक्रीज हो जाएगी, तो काफी शॉर्ट टाइम के अंदर आपको प्रमोशन मिल जाते हैं। तो यार आप बात कर लेते हैं बेसिक रणनीति के बारे में कि भैया तैयारी कैसे शुरू करें, एग्जाम तो आपका 2 मार्च से ही है। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम को आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके क्रैक कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, काफी मॉडरेट लेवल का एग्जाम होता है। सबसे पहले फेज फर्स्ट के एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे होंगे ना, सबसे ज्यादा फोकस इंग्लिश के ऊपर करिएगा। ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिलहाल भी प्रायोरिटी पर रख के इंग्लिश को चलिएगा, खुद बुक से पढ़िएगा, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। ठीक है, उसके बाद जो रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स होगा, बिल्कुल बेसिक लेवल का आएगा, मॉडरेट लेवल का आएगा, इजी कर लो, इजीली कर लोगे, तो एवरेज प्रिपरेशन करेगा। अगर आपको रीजनिंग ऑलरेडी आती है, रीजनिंग में आप अच्छे हो, तो रीजनिंग को हाथ भी मत लगाइएगा, एग्जाम से 5 दिन पहले बस सिंपली रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और मैथ्स की भी जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे ना, जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है ना, जो ऐसे क्वेश्चंस है जिनमें आप फर्स्ट हो, केवल उन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा, हर एक टॉपिक से हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी अभी फेज फर्स्ट के एग्जाम से पहले आपको कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के ऊपर भी फोकस करते हुए चलना है, क्योंकि काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस तो पेपर सेकंड में है, तो पहले पेपर फर्स्ट दे ले, उसके बाद पेपर सेकंड की तैयारी करेंगे। पेपर सेकंड के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, पेपर फर्स्ट होने के 15 से 1 महीने के अंदर आपका पेपर सेकंड भी हो जाएगा, तो अभी से कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के ऊपर भी फोकस करना शुरू करिए। बस इतना ध्यान रखिएगा, केवल थ्योरेटिकल आपको पढ़ना है, शुरुआत में जीके और कंप्यूटर का थ्योरेटिकल पढ़िएगा, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, बुक्स में आपको आगे बता रहा हूं कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी है। बाकी शुरुआत में इंग्लिश और रीजनिंग और मैथमेटिक्स और के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा, और हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पीछे भागिएगा, जितने ज्यादा हो सके टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइएगा, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो सिंपली यूट्यूब के ऊपर सर्च करिएगा, काफी सारी क्लासेस आ जाएंगी उस टॉपिक से रिलेटेड, उन लेक्चर्स को देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा और फिर खुद सोल्व करके देखिएगा, और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले भी पूरे सिलेबस को आप रिवाइज कर लो। और ज्यादा से ज्यादा फोकस सेल्फ स्टडी के ऊपर ही करना है। अगर कोई कोर्स आपको सेल कर रहा है, कोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, कोचिंग भी आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, मस्त बुक खोलिए और सेल्फ स्टडी करिए। बुक्स आपको बता देता हूं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में मत पड़ेगा, हमारी खुद की वे टू सक्सेस की ये 4 बेसिक सी सिंपल सी पतली पतली करियर मैगजीन आती है बायलिंगुअल, इनको परचेज करके प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिएगा। रीजनिंग के सभी क्वेश्चन को सोल्व कर डालिए जो नहीं आते, ठीक है। इंग्लिश में कॉन्सेप्चुअल पोर्शन भी मिल जाएगा, थ्योरेटिकल भी आप पढ़ पाओगे हिंदी और इंग्लिश में, साथ ही टॉपिक वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, ऐसे न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स की है, सभी क्वेश्चंस के ऊपर सभी एग्जांपल्स और फॉर्मूले के ऊपर एक बार रिवाइज भी कर लोगे ना, तब भी बात बन जाएगी, तब भी आप फेज फर्स्ट के एग्जाम को इजीली क्रैक कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी अलग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ल्यूशेंट के कंप्यूटर का बुक आता है, क्योंकि 40 क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के आएंगे, तो अभी से इस बुक को परचेज करके थ्योरेटिकल पढ़ना शुरू कर दो, जब फेज फर्स्ट क्लियर हो जाए उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिएगा कंप्यूटर के। साथ ही दोस्तों, वे टू सक्सेस की हमारी एक खुद की एसएससी मास्टर गाइड आती है, बहुत ही बेहतरीन है, केवल एसएससी नहीं, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंदर आपको बहुत सारे मास्टर टेस्ट मिल जाएंगे, हर एक मास्टर टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करेगा। 4 सब्जेक्ट आपके अच्छे से कवर है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साथ ही इंग्लिश भी कवर्ड है। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसमें आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। हर एक मास्टर टेस्ट के साथ आपको परफॉर्मेंस मीटर मिल जाएगा, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक कर पाओगे, आपको पहले ही पता
पता चल जाएगा कि भाई आपकी तैयारी किस लेवल की हुई है, इस एग्जाम को आप कितने स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो, आप इस एग्जाम को क्रैक करने लायक बन भी चुके हो या फिर अभी तक नहीं बने हो, किस लेवल की तैयारी करने की जरूरत है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये तो फादर ऑफ ऑल बुक है, ये कहना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के लिए अगर आप हमारी ये बुक नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको कहां पे गई है? लेकिन ये वाली जो बुक आती है ना, इसके लास्ट 40 पेजेस के ऊपर स्टैटिक जीके कवर्ड है, टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके कवर कर रखा है, उसको अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। 40 क्वेश्चन लगा के आओगे, शुरुआत में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस डिटेल के साथ कवर्ड है, बाकी करंट अफेयर की प्रॉब्लम आपकी खत्म कर रखी है। अभी करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, पूरे साल की मैराथन प्रोवाइड कर रखी है, और पूरे साल की करंट अफेयर की मैगजीन भी है जिसमें करंट अफेयर बहुत ही डीप तरीके से आपको दे रखे, तो करंट अफेयर की प्रॉब्लम आपकी यहां से खत्म हो जाएगी, क्लियर है। और बाकी फेस सेकेंड एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स की एक ये बुक आती है जिसमें मैथ्स के सभी टॉपिक चैप्टर कवर्ड है, लेकिन फर्क इतना है कि हार्डकोर प्रैक्टिस करने के लिए, एडवांस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं, इन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लेगा, फिर देखते हैं एग्जाम कैसे बचता है, बेहतरीन स्कोर के साथ क्रैक करके आओगे। इस एग्जाम को देख के घबराइएगा मत, चुटकियों में आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, यह मेरा दावा है। सभी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए, और फिर से बोल रहा हूं सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, जितना ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइए, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। जो आता है उसके ऊपर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, उसको रिवीजन के टाइम पर हम देख लेंगे। जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आप अक्सर फंसते हो, उनके ऊपर फोकस करिए, उनको बार बार प्रैक्टिस करिए, आपका काम हो जाएगा, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस बाकी दोस्तों यही स्टेज है, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं, कोई इंटरव्यू आप वगैरह आपका नहीं है, ऐसे आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और कंप्यूटर के तो इतने बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ये सोचिए कि ये 40 क्वेश्चन तो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चुटकियों में कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एक बार सिंपली आपको रिवाइज कर लेने हैं कंप्यूटर के सभी टॉपिक, कंप्यूटर के सभी चैप्टर, बाकी सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों चीजें आप समझ गए होंगे, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, सोनू हलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में यार इतने ही रखते हैं, फॉर्म कल से स्टार्ट होने, डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर है, और बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।